उत्तराखंड में लोकसभा का चुनाव विधिवत रूप से गतिमान है। आज से प्रचार प्रसार शुरू होने के साथ ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रख करके और 2 साल की धामी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रख करके जनता से अपने समर्थन में वोट करने की अपील कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष, जिसमें इंडी गठबंधन से लेकर के बाकी प्रत्याशी हैं, उनके पास कोई मुद्दा न होने के कारण वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी जी के, धामी जी के खिलाफ अनलगर आरोप लगा करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक आंकड़े के साथ बताना चाहता हूँ कि 2009 में जो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट पर हार मिली थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदर्शन में बेहतर सुधार करते हुए 2014 के लोकसभा चुनाव में 5 सीट पर जो अपना पिछला प्रदर्शन था उसको बेहतर करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशियों को पटकनी देते हुए 8,64,000 से अधिक मतों से 5 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। और उसके बाद जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ मोदी जी के 5 साल के प्रधानमंत्री के काल के बाद, तो मोदी जी की जो उपलब्धियां थी, जिसमें उन्होंने जो भारत की विदेश नीति थी उसमें बहुत सारे परिवर्तन करने के बाद भारत का नाम दुनिया के सामने गौरव से खड़ा करने से शुरुआत करने के साथ साथ पाकिस्तान को जो है कि उसके घुटनों पर बिठाने का काम किया, देश की सीमाओं की सुरक्षा का जो संदेश देश के नागरिकों को मिला, और जो कश्मीर में धारा 70 थी उसको ख़त्म करने का जो साहस किसी में नहीं था, उस धारा 370 को ख़त्म करने के बाद कश्मीर में अमन चैन लाने का साहसिक फैसला किया, उसकी वजह से देश का बच्चा बच्चा, बूढ़े से लेकर के नौजवान तक, महिला से लेकर पुरुष तक आज 80% से अधिक लोग हैं जो धामी जी के कामों और मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर जिता करके मोदी जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी, हम आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। और आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस समय का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपके मन में जो बहुत सारे सवाल हैं उन सवालों का जवाब भी मोदी जी अपनी तीसरी पारी में देंगे, उनका समाधान निकालेंगे। तो जय हिंद।